आप देख रहे हैं संविधान और कानून एसके लाइव न्यूज। खबर है उत्तर प्रदेश के सहारनपुर से। रामपुर मनिहारान कोतवाली में आगामी त्योहारों के मद्देनजर शांति समिति की बैठक का आयोजन किया गया। इस मौके पर एसडीएम श्वेता पांडे ने कहा कि त्योहारों को मिलजुल कर मनाने से इनका महत्व तो और भी बढ़ जाता है। रविवार को कोतवाली परिसर में धनतेरस, दीपावली, भैया दूज आदि आगामी त्योहारों को शांतिपूर्ण ढंग से मनाने को लेकर आयोजित बैठक में एसडीएम श्वेता पांडे ने सभी को आगामी त्योहारों की हार्दिक शुभकामनाएं देते हुए कहा कि सभी लोग त्योहारों को आपसी सौहार्द और भाईचारे के साथ मनाएं, जिससे इनका महत्व और भी बढ़ जाता है। उन्होंने लोगों से अपने आसपास होने वाली गतिविधियों पर नजर रखने की अपील की। कोतवाली प्रभारी निरीक्षक नरेंद्र कुमार शर्मा ने कहा कि त्योहारों को सकुशल संपन्न कराने को लेकर प्रशासन पूरी तरह चौकना है। अशांति फैलाने वालों को किसी भी सूरत में बख्शा नहीं जाएगा। बैठक में गणमान्य लोगों ने बाजारों व हाईवे पर बढ़ते अतिक्रमण की समस्या को रखा, जिसके लिए इंस्पेक्टर नरेंद्र शर्मा ने समस्या से निजात दिलाने का आश्वासन दिया। इस दौरान नगर पंचायत पूर्व अध्यक्ष प्रतिनिधि प्रदीप चौधरी, प्रदीप बालियान, आबिद हसन, जानी कुरैशी, सचिन रुहैला, नफीस अहमद, विपिन कुमार, आफ्ताब मलिक, सोनू जितेंद्र सिंह, गोपाल सिंह आदि सहित ग्राम प्रधान मौजूद रहे। वैभव गुप्ता की रिपोर्ट। पटाखों को लेकर निरीक्षण किया गया है और सभी को बता दिया गया है कि जो भी आवश्यक सावधानी है, जो भी हमारी गाइडलाइंस है, उनके तहत रहते हुए ही पटाखों की बिक्री की जाएगी। मैं मोस्टली देखा गया है कि शहरी पुल पे जो पुल अभी निर्माणाधीन है, अक्सर मोस्टली फाटक पे जाम लगा रहता है। मान तो इस समस्या से त्योहारों पे आम जन के जो बढ़ जाते हैं, वाहनों की संख्या बढ़ जाती है, तो उस जाम से कैसे छुटकारा मिलेगा मैम? शासन के द्वारा किस तरह के निर्देश हैं मैम? जी, इसमें शिकायत मिली थी मुझे, तो उसमें धूल की समस्या काफी ज्यादा बताई जा रही थी, तो एनएच वालों को गाइडलाइन दी गई है कि वहाँ पे पानी का छिड़काव करने के लिए पानी का छिड़काव भी शुरू हो गया है और बहुत जल्दी वहाँ पे निर्माण कार्य शुरू हो गया है। खबरों के लेटेस्ट अपडेट के लिए इसी तरह हमारे साथ जुड़े रहें और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।